अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, आपका अपना मेजबान असम जलाल, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों, इन मुल्क के अंदरून और बैरून गद्दारों को ये इल्म ही नहीं था कि इमरान खान को गिराना नामुमकिन हो चुका है। जो इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को कवरेज दे रहा है, पहले तो वो सिर्फ पाकिस्तान का ही लीडर था, अब वो इंटरनेशनल लीडर बन चुका है। और ये नून लीग वाले इस कदर जलालत का सामना कर रहे हैं, इनको भागने का कोई अब रास्ता नहीं मिलेगा। टाइम्स मैगजीन ने साफ साफ बता दिया है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन है, बिल्कुल नाम तक उन्होंने बताए हैं। और इनको वार्निंग भी दी है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को आपने गिराया या इमरान खान को आपने जेल में डाला, तो याद रखना पाकिस्तान की सारी कौम इमरान खान के एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार है। और जो पाकिस्तान में खून की होली खेली जाएगी, इसके जिम्मेदारान आप लोग होंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों, सारी दुनिया में मीडिया पर इमरान खान के अलावा और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और अगर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को मजीद गिराने की कोशिश की या उसको गिरफ्तार किया, तो याद रखना जिन जिन लोगों के भी नाम इंटरनेशनल मीडिया के पास आ चुके हैं, उन्होंने साफ साफ इन नून लीग वालों को बता दिया है, नाम ले लेकर बताया है कि इसके पीछे, इस साजिश के पीछे कौन कौन है। लेकिन इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी कौम को यह बता सके। अंदर ही इमरान खान को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसके पीछे कोई और है। आप सब जानते हैं कि मेरे अजीजों, मेरे हमतनों, ये किस पर ब्लेम डाल रहे हैं। और किसी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने इन नू लीगियों को साफ साफ नाम ले लेकर बताया है कि असल इमरान खान की हुकूमत को गिराने के पीछे कौन है। और यहां तक भी ये नू लीग वाले बड़े खामोश बैठे हैं, कोई तकरीर बकरी इमरान खान के खिलाफ नहीं कर रहे। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि इस कदर ये खौफजदा हैं, ये जानते हैं कि इमरान खान की एक आवाज पर सारी पाकिस्तानी कौम कट मरने के लिए तैयार है। लेकिन एंड ऑफ द डे जीत जो होगी इंशाल्लाह हमारे इमरान खान की होगी, और पाकिस्तान हमेशा के लिए बना ला इला इल्लल्लाह के नाम पर बना है। दुनिया की कोई ताकत इसको गिरा नहीं सकती, इसको मिटा नहीं सकती। लेकिन याद रखो मेरे अंदरून गद्दारों, मुल्क के गद्दारों, आपने भी इसी ही मुल्क में रहना है। और ये भी याद रखना कि आप सब के नाम इन अंदरून गद्दारों के पास, जब इनको पकड़ा गया, और ये याद रखना तोते की तरह बोलेंगे, आपका गिन गिन कर नाम लेंगे। तो मैं अपनी खलाई मखलूक से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस साजिश में शामिल हैं तो इसको बंद कर दीजिए, मत खेलने दीजिए पाकिस्तान में खून की होली। ये पाकिस्तान आपका भी है, इसी मिट्टी से आपने भी जन्म लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस साजिश से मना हो जाएंगे। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे मौके आते हैं कि आप ना इधर के ना उधर के, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हमारे पाकिस्तान में खून की होली ना खेली जाए। यही गुजारिश थी मेरी आपसे। मैं आपके नाम भी ले सकता हूं जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल कवरेज से मिली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान में मजीद कोई अफरा तफरी पैदा हो।
आपने जो इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, आपने बहुत संगीन गलती की है। और आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल स्टैंड बाय खड़ी है। इमरान खान का सिर्फ एक ही इशारा और आपको कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चीज़ों, मेरे हमदरों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।